चलिए अब शुरुआत करते हैं सुबह की राम राम की 20 अहम खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। संसद की सदस्य जाने के बाद मीडिया के सामने पहली बार आएंगे राहुल गांधी, आज दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने किया आंदोलन का ऐलान, प्रियंका गांधी बोली हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला, कहा राहुल को सच बोलने की मिली सजा। आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दावणगेरे में करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। बेंगलुरु में व्हाइट फील्ड मेट्रो लाइन का भी करेंगे उद्घाटन पीएम, चिकबल्लापुर को मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च की भी देंगे सौगात। आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा आरोप, कहा अमृतपाल को पकड़ने में गंभीर नहीं पंजाब सरकार, हमने सूचना दी थी, 1.5 दिन बाद पहुंची पंजाब पुलिस। अनिल विज के आरोपों पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वरिंग का पलटवार, कहा अगर अमृतपाल के शाहबाद में होने की जानकारी थी तो उसे पकड़ा क्यों नहीं। राजस्थान के जैसलमेर में गिरी 3 मिसाइल 2 खेत में मिली, एक की तलाश जारी, पोखरण फायरिंग रेंज से हुआ था मिस फायर। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ राजस्थान में केस दर्ज, पुलिस ने लगाया धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। आज सीबीआई के सामने पेश होंगे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लैंड फोर्ट जॉब मामले में होगी पूछताछ। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, ईडी के केस में जमानत पर होगी सुनवाई। जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ दायर मानहानि मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई, नूरा फती ने दर्ज किया था मानहानि का मुकदमा। केंद्र सरकार ने 4% बढ़ाया महंगाई भत्ता, 47 लाख कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को फायदा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की देंगे जानकारी। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 6 IAS और 8 PCS अधिकारियों का हुआ तबादला, किंजल सिंह बने महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, प्रकाश बिंदु को यूपी सिडको का बनाया गया प्रबंध निदेशक। प्रयागराज के राजरूपपुर स्थित बाल सुधार गृह में अतीक के दोनों नाबालिग बेटे, धूमनगंज पुलिस ने दाखिल की कोर्ट में रिपोर्ट, अतीक के वकीलों ने बच्चों की सुपुर्दगी की मांग की। कौशाम्बी पुलिस ने अतीक के शार्प शूटर अब्दुल कवी के गांव में चलाया सर्च ऑपरेशन, अब्दुल को शरण देने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आज भारत को मिल सकते हैं 2 गोल्ड, नीतू और स्वीटी आज खेलेंगे अपना फाइनल मुकाबला। विमेंस प्रीमियर लीग में कल फाइनल की जंग, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला।